नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में शपथ ग्रहण और प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। सम्मान समारोह को अखिल भारतीय राजपूत महासभा ने आयोजित किया था और सीएम शर्मा अपना संबोधन में उन्होंने कहा कि होनहार प्रतिभाएं अपने परिवार के साथ ही समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इनके सम्मान से अन्य लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, महिला उत्थान के साथ ही विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। इसी दिशा में राज्य के परिवर्तित बजट 2024 से 25 में 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने और निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि खेलों में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तथा संभाग स्तर पर खेल महाविद्यालय खोले जाएंगे, जहां पर खेल प्रतिभाओं को तराश कर आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा ज्यादा जानकारी दे रहे। रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता। रूपनारायण, जानना चाहेंगे इस खास कार्यक्रम का क्या मकसद था और क्या कुछ कहा भजनलाल शर्मा ने। देखिए नया, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है यहाँ पे बिरला सभागार में पहुंचे, वहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह था राव राजपूत समाज का, और उसमें मुख्य बतौर मुख्य अतिथि वहाँ पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में जहाँ एक और कहा कि प्रतिभाएं जो है परिवार का ही नाम नहीं करती, वो अगर प्रतिभाएं कहीं बाहर निकलती हैं तो प्रतिभाओं के दम पे जो है प्रदेश का भी विकास होता है, समाज का विकास जहाँ होता है वहीं प्रदेश का और देश का विकास भी होता है। तो इसी प्रतिभाओं को जो है सम्मानित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना जो है मूल दायित्व बनता है, जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और वो जो है इस प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2014 के बाद जो है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश के हालात बदले हैं, देश की संस्कृति की ओर ध्यान दिया है, जहाँ प्रधानमंत्री ने जो है अलग अलग योजनाएं देश की दी है, चाहे वो सफाई योजना हो या फिर अभी जो है वर्तमान में चल रही पर्यावरण के लिए एक पेड़ माँ के नाम लगाने की योजना हो, तो ऐसी योजनाओं से जो है प्रधानमंत्री ने जो है देश का जो है माहौल यहाँ चेंज किया है। जहाँ स्वच्छता और सफाई की बात की, वही जो है पर्यावरण की बात वो कर रहे हैं। तो लगातार जो है 2014 के बाद उन्होंने यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की भी बात की युवाओं से, कि जो विजन जो है नरेंद्र मोदी का देश को विकसित बनाने का 2047 पे, उस पर जो है युवा आगे आएंगे और ऐसी प्रतिभाएं जो है कहीं ना कहीं देश के विकास में अपना सहयोग करेंगे। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पे अपडेट देने के लिए और आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय यात्रा पर अपने गृहनगर जोधपुर पहुंचे और जोधपुर पहुंचने पर कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। बता दें आपको कि शेखावत ने अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई भी की और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में स्काई डाइविंग की सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए हरियाणा सरकार के साथ मिलकर यह कार्य शुरू किया गया है और भारत में पहली बार निजी रूप से इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत में इस क्षेत्र में प्रगति होगी। उन्होंने हाल ही में राजस्थान सरकार के पेश किए गए बजट पर बोलते हुए कहा कि मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला और राजस्थान का विकास करने वाला बजट पेश किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो झूठ बोलकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। वहीं शिक्षा और पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में जोधपुर ग्रामीण के जिला स्तरीय अधिकारियों की बजट घोषणा संबंधित समीक्षा बैठक रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने सभी अधिकारियों से कुशल प्रबंधन से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन समय पर प्रारंभ और पूर्ण करें।
साथ ही सभी कार्यों को बेहतर गुणवत्ता से पूर्ण करे और प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही कार्य कर रही है। साथ ही दिलावर ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। बजट घोषणा सहित जन कल्याण के कार्यों में भी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित करके ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह ने जिले से जुड़ी हुई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति बैठक रविवार को ली है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बजट घोषणाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं किसी भी क्षेत्र के विकास का रोड मैप होती है और इनके आधार पर चरणबद्ध तरीके से हर क्षेत्र का विकास किया जाता है और इसी क्रम में इस वित्तीय वर्ष के बजट में जिले से संबंधित जो घोषणाएं की गई है तुरंत प्रभाव से इनका क्रियान्वयन प्रारंभ किया है और सभी कार्य समय पर पूर्ण हो इसके आमजन को इसका अधिकतम लाभ मिले। और चिकित्सा संबंधी चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि जिन बजट घोषणाओं में राज्य सरकार स्तर पर कार्रवाई प्रस्तावित है उनके प्रस्ताव तुरंत भिजवाए जाएं। टोंक जिला परिषद सभागार में प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, विभाग वार समीक्षा कर बजट क्रियान्वयन के आदेश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बिजली को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कांग्रेस शासन के मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजली की मार झेल रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में कोई भी उत्पादन का प्लांट नहीं लगाया है और जब उन्होंने उत्पादन किया नहीं तो बिजली मिलेगी कहां से? वो आज राजनीति कर रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने उत्पादन किया होता तो हम बिजली देने में सक्षम होते। आज हमारे पास उत्पादन कम है और मांग ज्यादा है। हमने अपने संयंत्र को जो पिछली सरकार में 50% पर चलते थे उनको 74% पर लेकर आए हैं और ये हमारी 6 महीने की उपलब्धि है। हमने निरंतर कोयले की उपलब्धता कराई है। पहले खबर आती थी कि आज एक दिन का कोयला बचा है लेकिन भजनलाल सरकार में कोयले की कमी की खबरें नहीं आई है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, उत्पादन के संयंत्र भी ठीक कर रहे हैं और हम सोलर के नए प्लांट भी लगा रहे हैं, उससे बिजली आएगी। वहीं पाली जिले के प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने राज्य के परिवर्तित बजट में जिले के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में रविवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर घोषणाओं को धरातल पर साकार करने के लिए रोड मैप पूछा है। प्रभारी मंत्री खर्रा ने जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में एक एक कर सभी विभागों से संबंधित घोषणाओं और योजनाओं की जानकारी ली है और टाइमलाइन निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द बजट घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बजट में उन्होंने बिजली, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, पीएचईडी, जल संसाधन आदि विभागों के अधिकारियों से बजट घोषणाओं के संबंध में जानकारी ली और घोषणाओं के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई और आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई नहीं बरती जाए और इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी और यदि कोई भी इशू हो तो तुरंत संज्ञान में लाया जाए। खबर हनुमानगढ़ से जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण महाअभियान 2024 के तहत रविवार को इस जिले में कार्यक्रम हुआ। ग्राम पंचायत सतीपुरा की शमशान भूमि में सुबह 11 बजे एक साथ 450
पौधे रोपे गए। इससे पहले समारोह में जिला प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा ने कहा है कि वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पौधारोपण ही है, इसीलिए एक पेड़ मां के नाम के साथ प्रत्येक व्यक्ति पांच पांच पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि ये कार्य सिर्फ राज्य सरकार का ही नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा है कि पेड़ लगाना आसान है लेकिन उनकी देखभाल करना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी अहम जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेजेस, गौशालाओं, चिकित्सालयों, खनन क्षेत्रों सहित हर जगह पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामवासियों से पौधों को सुरक्षित रखने के लिए अपील की है। उप वन संरक्षक सुरेश कुमार अबूसरिया ने बताया है कि मॉनसून में 16,22,000 पौधे जिले में लगाए जा रहे हैं। पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत बानसूर के गतिविधि दौरे पर रही और पूर्व मंत्री रावत ने बानसूर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आगामी पंचायत राज चुनाव को लेकर वार्ता की है। रावत ने कहा है कि हर महीने की 14 तारीख को कार्यकर्ताओं की बैठक लगेंगे और ऐसे में बता दें कि बानसूर विधायक ने विधानसभा सत्र के दौरान भूपसेड़ा सुनीता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला किया था। इस हमले का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री रावत ने कहा कि सरकार इनकी है, जांच क्यों नहीं करवाते हैं। जिस पहाड़ी को लेकर यह हत्या की गई उस पहाड़ी में खान किसकी है, खान का मालिक कौन है और इन सब की जांच क्यों नहीं करवाते हैं। उस वक्त सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब सरकारी जो सरकार है वो इनकी है, इसकी उच्च स्तर पर जांच पड़ताल करवाकर खुलासा करवाएं। जब से भाजपा की प्रदेश में सरकार बनी है तब से बानसूर सहित पूरे राजस्थान में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 20 और 21 जुलाई को दो शिफ्ट में अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया है कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु आवंटित जिले की जानकारी 14 जुलाई से SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर 17 जुलाई को जारी किए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त SSO पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। नगर निगम में ठेकेदार के जरिए काम कर रहे 650 सफाई कर्मचारियों ने सोमवार सुबह हड़ताल कर दी है, जिनका 26 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 13 महीने का डिफरेंस अमाउंट नहीं मिला है। 2-3 बार मांग पत्र सौंपने के बावजूद निगम प्रशासन ने सुध नहीं ली है। अलवर नगर निगम संविदा पर लगे करीब 650 सफाई कर्मचारियों ने 26 रुपए के हिसाब से बढ़ोतरी वेतन नहीं मिलने पर नगर निगम गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर हड़ताल कर दी है। उनकी मांग है कि जब तक अंतर वेतन नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वही संबंधित ठेकेदार लीला यादव ने कहा है कि नगर निगम में बिल दे रखी है और अभी तक महापौर और आयुक्त स्तर पर उसका निराकरण नहीं हुआ है। अलवा वैशाली नगर थाना क्षेत्र मन्नाका गांव में पुलिस पर हमला कर फरार होने वाले हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को पुलिस ने महाराष्ट्र कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहकर एक होटल पर बर्तन धोने का कार्य कर रहा था,
जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पर फिरोज खान ने हमला किया है और मौके से फरार हो गया था, जिसको पुलिस ने 22 दिन बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी फिरोज हमला करने के बाद यूपी होते हुए महाराष्ट्र कोल्हापुर पहुंचा, जहां पर उसने अपना नाम बदलकर राहुल निवासी हरियाणा का रहने वाला बताया और उसके बाद वह एक होटल में बर्तन धोने का काम कर रहा था, जिसकी तलाश में एसपी सहित उच्च अधिकारियों के निर्देशन में 3 टीम लगा रखी थी। टीम को जेल से इनपुट मिला कि फिरोज महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तरफ जा सकता है, और उसके बाद फिरोज को ढूंढते हुए टीम महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंची और वहां पर 4 दिन रहने के बाद आरोपी फिरोज को टीम ने पकड़ा और उसके पास एक बैग मिला जिसमें उसने कपड़े रखे हुए थे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया और अलवर लाया गया है। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने बताया है कि फिरोज को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ईदपुर पर 2 बच्चों की मां अपने से उम्र में 5 साल छोटे प्रेमी के साथ फरार हो गई। बता दें आपको कि विवाहिता और उसके प्रेमी को परिजनों ने MIA थाने क्षेत्र में पकड़ लिया है। विवाहिता के भाई गोविंदगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बताया है कि विवाहिता के भाई ने मामला दर्ज करवाया है, जो कि 13 जुलाई को नसवारी चौकी पर दर्ज हुआ है। विवाहिता के परिजन विवाहिता को विभिन्न स्थानों पर ढूंढ रहे थे, जो कि अलवर के MIA थाना क्षेत्र में मिलने पर परिजन युवक विवाहिता को वहां से उठा ले गए और तिलवाड़ के समीप युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करती, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और तत्काल गोविंदगढ़ थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ पहुंचाया। वहीं 7 युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।